कल हम लोगों ने क्या किया था कल हम लोगों ने इनकम इलास्टिसिटी किया था उसके पहले हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी किया था आज हम लोग जो करने वाले वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ठीक है सो डिफरेंट परसपेक्टिव है क्रॉस इलास्टिसिटी को देखने के वो आज हम लोग देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में ठीक है चलिए अमेजिंग ठीक है प्रियंशु ऑल द बेस्ट अश्विन अरोरा ऑल द बेस्ट एंड ऑल माय ओल्ड स्टूडेंट्स जो आज एग्जाम देने वाले हैं ऑल द बेस्ट गोना क्रैक इट आई एब्सोल्युटली बिलीव इन यू एंड वर्क डेफिनेटली पे ऑफ शांत मन से जाइए पहुंच जाइए सेंटर पे एंड एवरी थिंग वु फाइन ठीक है ऑल द बेस्ट गाइड ऑल द बेस्ट ठीक है चलिए अमेजिंग 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 ठीक है सारे 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 स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली नाम नहीं ले पाओगा जो भी आ रहा है जो भी नहीं है आई डोंट नो बट यस डेफिनेटली खुनाल प्रियांशु देन 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 सानिया सिन्हा एंड देन देन अश्विन अरोरा ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन आउट देर जाइए यार मस्त पढ़ाई कीजिए मस्त रिलैक्स रहिए न्यूट्रल माइंडसेट रहिए अनफोर्ड कर आना मेंटल स्टेट को एकदम स्टेबल रखना सिंपल क्वेश्चन रहे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे यू हैव टू बी कूल एंड काम एंड यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर ठीक है यस सो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं ठीक है uh, सारे हमारे न्यू स्टूडेंट्स वी लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड ओके चलिए चलिए लेड नाउ ठीक है तो आज करने वाले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है ओके 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 हाँ तो फटाफट से पहले रिवाइज करते हैं इनकम इलास्टिसिटी को इनकम इलास्टिसिटी यस्टरडे वी हैव सीन इनकम इलास्टिसिटी ठीक है इनकम so इलास्टिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आते हैं जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर नॉर्मल गुड्स है तो उसका वैल्यू क्या होगा नॉर्मल गुड्स के केस में वैल्यू होगा जीरो से ज्यादा एंड वन से कम जीरो से ज्यादा एंड वन से कम जीरो से ज्यादा एंड वन से कम राइट right? अगर लग्जरी गुड्स होगा तो इनकम इलास्टिसिटी यहां पर होगा ग्रेटर देन वन ठीक है तो जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग खर्चा करते हैं मैं दस लाख कमा रहा हूं पंद्रह लाख का बीस लाख का पचास लाख का खर्चा कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जब इनकम इनकम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी तुम्हारी तुम्हारी कितनी है तुम्हारी क्या है क्या ग्रेटर देन वन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लग्जरी गुड्स कहेंगे ठीक है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं इनफेरियर गुड्स मतलब हम लोग उस पर्टिकुलर गुड्स को प्रेफर नहीं करते हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रेफर समर गुड्स तो ये गुड्स को जिसको हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं वहां परिटी होगा? होगा. So, भी होगा जी हाँ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा राइट जब मैं कहना चाहता हूं आप लोग को कि जितना इनकम राइज हुआ है उतना सेम प्रपोर्सन में खर्चा भी राइज हुआ है so, उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी सेम टू सेम प्रोपोर्शन प्रपोर्शन ट्वेंटी परसेंट राइस ट्वेंटी राइस ट्वेंटी परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट लेस तो जितना इंक्रीज फाइव परसेंट इंक्रीज फाइव परसेंट राइस टू सेम प्रोपोर्शन में रहा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी राइट यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी अंडनेटीज केस में इनकम डजेंट मैटर अलॉट इनकम अगर तुम्हारा इंक्रीज भी हो गया मैं उतना ही खरीदने वाला हूं जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही खरीदने वाला हूं जितना मुझे रिक्वायर्ड है जी so, उसको हम लोग कहेंगे उसको हम लो कहेंगे नेसेसिटी तो वहां पर इट इज गोन लेस देन वन क्या होने वाला है लेस देन वन ठीक है ध्यान दो सारे बच्चे जो भी है यहां पर अभी uh, एग्जाम देने वाले यहाँ से चले जाओ तुम लोग ध्यान दो तुम्हारे पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग यहाँ पर, लो पर ये मत करो तुम शांत रहो ठीक है भगवान के सामने बैठ जाओ पढ़ाई करनी पढ़ाई करो एकदम शांत रहो ठीक है ऐच ऑल एंड आई नो दैट आर गोना क्रैक क्रैकेट ठीक है आई ना तुम लोग चिल मारने आए हो सारी पढ़ाई हो चुकी है अब पढ़ाई वैसे भी नहीं करने वाले हो जो कुछ भी है बट यस प्लीज आई नो दैट आई नो दैट तुम्हारा एग्जाम प्रेशर वगैरह सब कुछ रिलीज है एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ एंड यही होना चाहिए यही होना चाहिए एग्जाम से पहले सो दैट्स दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, यस, yes. चलिए तो यहां पर देखिए जीरो एंड पॉजिटिव के केस में व्हाट इज देयर नॉर्मल गुड्स नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होगा inferior गुड्स ठीक है यहां पर देखना यूनिटी के केस में क्या है सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है ग्रेटर देन वन केस के में क्या होगा लग्जरी गुड्स लेस देन वन के केस में क्या होगा नेसेसिटी होगा ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इन सब पर एमसीक्यू आ सकते हैं घुमा कर एमसीक्यू आ सकते हैं गुड्स well. कौन से गुड्स से वैल्यू कितनी है? ऐसा भी आ सकता है नॉर्मल गुड्स से आपको वैल्यू पूछा जाएंगे दिस ठीक जा है so yes, <laughs> ज्यादा मोटिवेशन मत दो वर्णा जून वाले भी सर अभी एग्जाम देने चले जाएंगे ये भी सही है भाई ये भी सही है यशराज सोनी सर इतना मोटिवेशन कहा हो रहा है इतना मोटिवेशन हो रहा है इतना अच्छा मोटिवेशन देते हो आप सभी लोग कि सर सर इतने मोटिवेशन से ना सर जून वाले बच्चे भी दिसंबर में एग्जाम्स देने चले जाएंगे भगवान जबरदस्त सर स्नेहा का बर्थडे अच्छा स्नेहा का बर्थडे है विश यू मेनी मेनी द डे स्नेहा पूरी इंडिया तुम्हें विश करते रहेंगे ठीक है ये सारे लाइव बच्चे करेंगे रिकॉर्डेड बच्चे भी तुम्हें याद करेंगे रिकॉर्डेड बच्चे भी तुम्हें विश करेंगे ठीक है तो पूरी इंडिया जो है यहाँ पर तुम्हें विश करने वाली है ठीक है ढेर सारी ढेर सारी अः क्या है बधाइया तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम एकदम अच्छे से पढ़ाई करो तुम्हारे गोल्स सारे अचीव करो और तुम्हारा ये साल बहुत ही अच्छा रहे ठीक है यस शॉ नीड योर ब्लेसिंग्स बेटा मेरी ब्लेसिंग सबके साथ है जो भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं ऑल द बेस्ट टू यूगा तो यहां पर ये क्या है नॉर्मल गुड्स एम सी क्यू लग्जरी गुड्स इंफेरियर गुड्स देन 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 यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ठीक है तो so, यहाँ पर इस पर भी सवाल आ सकते हैं इस पर भी एम आ सकते हैं जी हाँ इस पर भी एम आ सकते हैं यस इस पर भी एम आ सकते हैं गॉट इट एवरी वन यस ओके चलिए आगे बढ़ देखो यहाँ पर आ गए फुटेज खाने वाले कुछ बच्चे आ गए फुटेज खाने वाले सब मेरे को किसी ने ब्लॉक किया है फिर उसको लगेगा कि मैं बोलूंगा नहीं मैं नहीं बेटा तुम्हारे मैसेजेस दिख रहे हैं फिर तो उसका नाम लेंगे लेकिन मैं नाम नहीं लेने वाला अभी क्योंकि मुझे पता है ये अटेंशन अटेंशन ठीक है थीके? तो बेटा तू तो मैं तेरा नाम नहीं लेगा ठीक है तो ये पुरानी आइडिया बेटा ये कितने सारे बच्चे ऑलरेडी कर, कर चुके हैं कुछ नया पेत्र अपनाओ ठीक है कुछ नया पेत्र गेट सम न्यू थिंग्स मैन गेट सम न्यू रीजन राइट एपी स्टाइलो वर्जन सर मेरा कल बर्थडे है तो बेटा कल बर्थडे है आज ब्लॉक होना है क्या रुक जा वरना मैं तेरे को रोक दूंगा ठीक है हमेशा हमेशा के लिए कभी मैसेज नहीं कर पाएगा रुक जा अपने आप को संभाल ठीक है yes. यस okay. अपने आप को संभाल लेता वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें रोक दूंगा ठीक है यस yes. अंजलि सेठी ऑल द बेस्ट ठीक है ओके चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी हम लोगों ने देखा था जी हाँ प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन द प्रोपोर्शनल चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यस वी हैव सीन दिस नाउ लेट अस सी द क्रॉस इलास्टिसिटी वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को करना है क्या इस कॉन्सेप्ट को हमें करना है फाइव स्टार मार्क ठीक है तो यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी को फाइव स्टार मार्क कर देना ये एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल आ सकता है यहां पर समझने की कोशिश करो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स बी तो यहां पर प्राइस दूसरे गुड्स की है क्वांटिटी दूसरे गुड्स की है तो क्वांटिटी ऑफ ए इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू द प्राइस ऑफ बी क्वांटिटी ऑफ यहां पर मैं लिखता हूं टी इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉफी क्वांटिटी ऑफ

ये क्रॉस इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ टू गुड्स दैट इज सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है सो यहां पर समझने की कोशिश करना ठीक है आज क्या आए बहुत सारे कौन है ये भाई? भाई कौन है ये एपी स्टाइलो क्या बेटा क्या कर रहा है सिमरन सिमरन सिमरनो सर ये स्टूडेंट इज इबर स्टूडेंट जो आज अपनी पहली पेपर देने जाने वाले पहले एग्जाम देने वाले ऑल द बेस्ट ऑल दीक है क्रॉस इलास्ट्रिसिटी जो होता है वो सब्सटीट्यूट गुड्स केस में हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ठीक है सो so, अब यहां पर अब यहां पर हम लोग दो ग्राफ्स देखने वाले हैं दो ग्राफ्स हैं? एक होगा सब्सिट्यूट का एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री का मैं आपको यहां पर एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं अच्छे से अच्छे से समझने की कोशिश करना डिमांड कर्व है प्राइस ऑफ कॉफी मैंने लिया है यहां पर ठीक है और यहां पर मैंने लिया है क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ पहले क्या होता था पहले जब हम लोग देखते थे तो प्राइस अगर कॉफी का है तो क्वांटिटी भी कॉफी की रहेगी ये फिर प्राइस अगर तुम्हारा टी का है तो क्वांटिटी भी टी का रहेगा लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अलग कर दिया हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हाँ जो कोई भी है यहाँ पर अकाउंट्स वाले जो आज पेपर देने जा रहे हैं ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बेटा कभी कभी समझ में नहीं आता है चैट में तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता तो, हूं बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं ऑल द बेस्ट गाइस फोड़ कर आइए ठीक है यस दिस इज प्राइज प्राइज वन क्वांटिटी क्वांटिटी one, quantity, quantity one. तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे ही प्राइस कॉफी का इंक्रीज हुआ तो लोगों ने कॉफी को पीना बंद किया और लोग चाय ज्यादा पी रहे थे इसलिए क्वांटिटी ऑफ द टी इंक्रीजेस। वाई बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी क्वांटिटी ऑफ द टी में फर्क आया है बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी सो कॉफी की प्राइस चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टी कॉफी की प्राइस चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टी सो आर यू गेटिंग इट ओ माय गॉड्स जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं हमेशा के लिए चले गया है ये इतना स्पैम कर रहा था कब से समझा रहा था मत कर भाई मत कर भाई मत कर भाई ये ऐसे गाने से पिक्चरों में अच्छे लगते हैं कौन से जाने नहीं देंगे तुझे बेटा रियल लाइफ में हम लोग तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे ठीक है अगर थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी क्या करी तुम लोगों ने मस्ती करी देखो यार लाइफ तुम्हें एक बार मौका देती है अक्की भैया तुम्हें दो बार मौके देते हैं और अगर तुम दो बार में भी नहीं सुन रहे हो तो फिर तीसरी बार में आपकी भैया तुम्हें ब्लॉक कर देंगे चूंकि कर दिया है ठीक है तो ऐसा नहीं करना होता है ठीक है तो सारी पिक्चरों वाली बात सही नहीं होती है ठीक है नहीं होता है ठीक है पलट 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 बेटा पलट, पलट. नहीं पलटाऊंगा ठीक है पिक्चरों में ऐसा होता है कि वो पलट पे है. रियल लाइफ में कभी कभी नहीं होता है ठीक है जाने नहीं देंगे तुझे ये भी रियल लाइफ में नहीं होता है ठीक है यस चले Okay. सुंदरम गुप्ता कह रहा है सर वॉइस नहीं आ रहा है सुंदरम बेटा सबको आ रही है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है है ठीक ये तुम्हारा प्रॉब्लम है रिफ्रेश करो तुम्हारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है तुम्हारा मोबाइल का प्रॉब्लम है मोबाइल को एक बार जोर से ऐसे पकड़ो और धार कर फेंको ठीक है उसके बाद देखो आवाज अपने आप आएगा किसी भी चीज को बजाने के बाद ना वो सही हो जाती है तो मोबाइल को बजाओ धाड़ 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 बजाओ एक बार पटको दो तीन बार ठीक है सब आवाज आने लग जाएगी ठीक है ठीक है ओके देखो समझ रहा है अभी ओके बोला मतलब ये उसको समझ में आया लेकिन पहले जो मैं बोल रहा था वो समझ में नहीं आया देखा नहीं, नहीं 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 समझ रहे हो देखो कैसे चोर को पकड़ लिया हमने अटेंशन सीकर वे अटेंशन सीकर समझ ठीक दिल दिल है, कितना सही बोल रहा है, कितना बोल रहा है बेटा इतने साल से पढ़ा रहे हैं हमको पता है सब कुछ भले ही तुम हमारे सामने नहीं हो ना आजकल हम तुम्हारे मैसेजेस से समझ में आ जाता है हमें कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो ऑनलाइन भी पढ़ाकर हमें ढाई साल से ज्यादा हो गया ठीक है नव की ऑल द बेस्ट बेटा ऑल द बेस्ट डर किसी को भी लगने में yes. आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर रिफ्रेश क्या और आ गया तुम्हें समझ में आ गया रिफ्रेश मैंने बोला ओके <laughs> सर समझ में आ गया सुंदरम बेटा <laughs> तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम्हारे टीचर बड़े स्मार्ट है बेटा बड़े स्मार्ट है ठीक है हाँ, देखो अभी यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस के मैं यहां पर लेता हूं इंक इंक का क्वांटिटी ठीक है इंक का क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ पेन। अब देखना यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स केस में अलग डायग्राम है के केस में अलग डायग्राम है क्वांटिटी इन केस ऑफ इंक क्या होने वाला है प्राइस ऑफ चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ बेटा सब सबके लिए दो दो मिनट में मुझे ऑल द बेस्ट बोलना पड़ रहा है कितने सारे बच्चे आ रहे हैं मैं ना लूप मोड पे चला देता हूं हर दो पांच मिनट बाद मैं बोलूंगा ऑल द बेस्ट जो भी एग्जाम देने वाले हैं all the best. ये है, ये हुई है, ये है, ये वन है 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 हुई अब पर समझने की कोशिश करना सर ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पर प्राइस पेन का डिक्रीज हुआ और इंक का क्वांटिटी इंक्रीज कैसे हुआ सर अरे बेटा जब पेन का प्राइस कम होगा तो लोग पेन ज्यादा परचेज करेंगे और जब लोग ज्यादा पेन परचेज करेंगे तो इंक भी तो ज्यादा लगेंगे हा? तो ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं सब्सिट्यूट गुड्स तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाएगा सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर डिमांड कर्व जो होता है वहां पर रिलेशनशिप कैसा होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपको सवाल पूछा जाएगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पर क्या होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप ठीक है uh, नाउ की सर एग्जाम है अकाउंट्स का काम कैसे रहे पड़ा तो है बट मुझे डर लग रहा है बेटा डर के आगे जीत है डोंट वरी एच ऑल अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू हैव टू फेस इट ओनली दैट यू कैन डू आई वुड से दैट डोंट थिंक एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, कुछ भी मत सोचो शांति से पेपर के लिए जाओ जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें रिकॉल होगा बिल्कुल होगा ठीक है सो डोंट वरी अबाउट इट दैट्स इट, दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल एनी ऑफ द सिचुएशन कैन यू चेंज द सिचुएशन द आंसर इज नो दैन वाई टू वरी कैन यू चेंज द सिचुएशन ये टू वरी राइट दिंग ठीक है ओके चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ओके okay. देव शाह कह कि बेस्ट वे टू डील प्रेशर इज टू आज इन जीरो प्रेशर बिल्कुल सही कहा देव बिल्कुल सही कहा है देव 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 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो पर देखना इसको हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे इन केस ऑफ गुड्स इज अ पॉजिटिव स्लोप आपको सवाल आएगा इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज अगेटिव स्लोप इस पर भी आपको सवाल आएगा समझ में आया क्या बच्चा पार्टी समझ में आया क्या तो यहां पर आपको एमसीक्यू हम पूछेंगे हम तुम्हें एमसीक्यू पूछेंगे अरे क्यू इन केस ऑफ इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गोड कौन सा टाइप का रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट कौन सा स्लोप होता है इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप होता है निगेटिव स्लोप होता है ठीक है यस yes. गुरुदेव कपूर आपकी ब्लेसिंग दीजिए ऑल द बेस्ट एवरी वन ओवर जो भी नवंबर का एग्जाम देने जा रहा है ऑल द बेस्ट यू गाइस मैं हर दो मिनट में हर पांच मिनट में ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ ठीक है एंड डोंट वरी एट ऑल इट्स बी सुपर अमेजिंग एंड एवरीथिंग विल बी फाइन सो बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्जाम में जाइएगा ठीक है तो all the students, जो बात में रिकॉर्डेड देखेंगे तुमको लगेगा कि क्या चल रहा है बट दिस इज हाउ इट इज गाइस अगर लाइव क्लास भी होती थी फेस टू फेस भी अगर कोई स्टूडेंट्स आते थे मिलने तो जरूर हम लोग उसे अटेंड करते थे तो ये भी बस वैसे ही लाइव क्लास है जहां पर ओल्ड स्टूडेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली यार उनको छह महीने तक पढ़ाया है वो टेंशन में हो गए उनको शायद एक ऑल द बेस्ट विश करने से अच्छा लगेगा तो दिस इज आर ड्यूटी एज ए टीचर टू एक्चुअली टॉक टू देम एंड यस क्योंकि अभी उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है मे बी दिस वन ऑल द बेस्ट कैन चेंज द वे दे आर एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट राइट नाउ ठीक है लाइव वाले बच्चे तो समझ सकते हैं उनको समझ सकते हैं कि उनकी लेवल की एक्साइटमेंट क्या है जो अभी पेपर देने जा रहे हैं बट शायद रिकॉर्डेड बच्चे जो बाद में कभी देखेंगे कभी भी देखेंगे वीडियो तो आप लोग समझने की कोशिश करना आई हैव टू रीड दिस आई हैव टू डू दिस बिकॉज इट मैटर्स अलॉट फॉर दोड द एग्जाम टूडे तो आज के दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बिल्कुल बनता है बिकॉज तुम भी जब जाओगे एग्जाम के लिए तो तुम भी आओगे यहां पर और तुम भी यहां पर आ, तुम्हारे टीचर से एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हें कुछ रिप्लाई दे रहा है right? yes. चलिए. राहुल तिवारी बेटा बिल्कुल हम हैं तुम्हारे साथ जाइए और फोड़ कर आइए ठीक है किस yes. चलिए आगे बढ़े Everyone, hope you understand it. Okay, oh, amazing. कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है बिल्कुल सही कहा है बेटा बिल्कुल सही कहा है प्रणाम परिणाम बदल देता है राइट चलिए सो यहां पर बचा पार्टी इसी तरीके से आप लोगों को सब्सटीट्यूट के के केस में दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे सवाल पूछे जाते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मिक्स करने वाला हूं मैं दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मिक्स करने वाला हूं एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना पहली बात अभी यह समझ लो सब्सिट्यूट गुड्स केस में यहाँ पर पॉजिटिव स्लो पे यहाँ पर प्राइस ऑफ द कॉफी है यहाँ पर क्वान्टिटी ऑफ द टी है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉफी एंड द क्वांटिटी ऑफ द टी

Amazing thing is going to come in front of you. Okay? I I am telling you that I am telling you that the price of the tea remains same. Price of the tea remains same. Okay? Price of T is constant. बट प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ द टी क्वांटिटी ऑफ टी प्राइजेस इंक्रीजेस तो यहां पर आप लोगों को चेंज इन डिमांड पूछेंगे चेंज इन डिमांड पूछेंगे दैट इज शिफ्ट इन डिमांड पूछेंगे शिफ्ट इन डिमांड पूछेंगे तो so, यहां पर आप लोगों को प्राइस ऑफ द टी कांस्टेंट दिया है प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीज बोला है क्वांटिटी ऑफ द टी इंक्रीजेस एंड शिफ्ट इन द डिमांड क्या होगा यहां पर आपको पूछा जाएगा सो कैन एनी वन जस्ट ट्राई एंड टेल मी कि यहां पर शिफ्ट इन द डिमांड क्या होगा मैं यहां पर लिख देता हूं प्राइस ऑफ द टी एंड में यहां पर लिखता हूं क्वान्टिटी ऑफ दी टी तो आप लोग मुझे यहां पर बताओगे कि क्या होगा यहां पर स्विफ्ट इन द डिमांड क्या होगा कोई मुझे बता सकता है यस बताइए एनी वन जस्ट ट्राई इट गाइस कैन यू ट्राई दिस कैन यू ट्राई दिस येस एवरी वन ओवी यर कैन यू ट्राई दिस एंड कैन यू ठेल मी दिस अच्छा ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं वॉइस प्रॉब्लम कितना तो सुंदर है ठीक है yes, यस कोई प्रॉब्लम नहीं अपर्ड शिफ्ट इन डिमांड कैसे होगा अपवर्ड नहीं होगा यशराज सोचो 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 शिफ्ट कैसे होगा अरे कैसे 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 होगा अरे राइट वर्ड होगा ना भाई देखो यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल डिमांड था हाँ और अभी यहां पर मेरा टी का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है मेरे को बोला है तो पहला मेरा क्वांटिटी कितना था ये अब मेरा नया क्वांटिटी कितना होगा ये देखो नया क्वांटिटी उन्होंने बोला है इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर यह है डी वन और यह है मेरा नया कॉन टी टी यह है क्यू वन तो यहाँ पर क्या हुआ है राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमको रखना है वी हैव टू रिमेम्बर कि देखो पहले वाला कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट को यूज किया है पहले वाला कॉन्सेप्ट चेंज इन डिमांड वाला प्राइस वहां पर कांस्टेंट रहती है और जब प्राइस कांस्टेंट रहती है और डिमांड हमारा इंक्रीज होता है तो दर इज द राइट वर्ड शिफ्ट मैंने आपको समरी बनाया था दो दिन तक मैंने उसकी समरी बनाई थी दो दिन तक मैंने उसको एक, एक 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 ग्राफ किया था दूसरे दिन पर मैंने पूरा की पूरा बर्ड्स आई व्यू लिया था और मैंने फिर से समरी बनाकर आपको समझाया था एंड नाउ वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट अगेन उसका इतना इंपॉर्टेंस था इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में आपको पढ़ाया था ठीक है so सो यहां पर हम लोग सब्सटीट्यूट की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पर फिर से इस चेंज की बात कर रहे हैं

डिमांड ऑफ द डे चेंज हुआ है इसका मतलब यहां पर अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है दैट अदर फैक्टर इज दिस सब्स्टिट्यूट दैट अदर फैक्टर इज दिस कॉफी ठीक है तो ये कॉफी ये सब्स्टिट्यूट है ये कॉफी ये अदर फैक्टर है तो यहां पर मैं लिखता हूं ये अदर फैक्टर तो अब यहां पर समझ में आया वो अदर फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे कैसे यहां पर हुआ है उसका यूज यस यस तो ये अदर फैक्टर के कारण यहां पर ये बदलाव आया है अदर फैक्टर के कारण यहां पर ये बदलाव आया है ठीक है आई होप यू गॉट इट यस यस पंकज शर्मा कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा ऑल द बेस्ट यू ठीक है चलिए आगे बढ़े एवरी वन आगे बढ़े एवरी वन ठीक है ठीक है यस सो आई वॉन्ट टू आस्क यू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकिन मैं उसमें थोड़े से बदलाव लेकर आऊंगा थोड़े से चेंजेस लेकर आऊंगा एंड यू आर गोइंग टू मी ठीक है जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा अब देखना बहुत मजा आएगा ठीक है बहुत मजा आएगा ये क्या है यहां पर प्राइस ऑफ टी यहां पर क्या है क्वांटिटी ऑफ टी ठीक है अब मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं क्या टी प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन देखो प्राइस ऑफ कॉफी प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस ठीक है और यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं क्वांटिटी ऑफ टी डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ टी आल्सो डिक्रीजेस सो प्राइस ऑफ द टी इज कांस्टेंट प्राइस ऑफ द कॉफी डिक्रीजेस देन क्वांटिटी ऑफ द टी डिक्रीजेस

कैसे हो कि भैया आई एम गुड लुसीफर लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड डिग्री जिन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा यहां पर ये यह मेरा ओरिजिनल डिमांड था और यहां पर ये यह मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी था क्यू लेकिन यहां पर क्या होगा लेकिन यहां पर यह देखिए ये मेरा नया डिमांड कर ये मेरा नया क्वांटिटी यहां पर वाई लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है डिक्रीज इन डिमांड ठीक है अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में क्या आएगा प्राइस ऑफ कॉफी कॉफी इज सब्स्टिट्यूट गुड्स ठीक है तो so यहां पर आई होप दैट यू गॉट इट एवरी वन सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है सर टुडेज एग्जाम प्लीज गिवर ब्लेसिंग ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ओवर ईयर जो भी एग्जाम देने जा रहा है आई ये सी मैं कितनी 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 भी बार बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता बट ठीक है कोई बात नहीं ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ठीक है ये सर हम लोग को भूल तो नहीं गया यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूला भाई लूसीफर ऐसे कैसे भूल सकते हैं ठीक है ऐसे कैसे भूल सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़े एवरी वन पक्का पका चलिए ऑसम 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 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ध्यान देना एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना यहां पर प्राइस क्वांटिटी प्राइस रिड्यूस क्वांटिटी इंक्रीज डिमांड कर रही है, है. यहां पर मैं लिखता हूं कार यहां पर मैं लिखता हूं पेट्रोल तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल प्राइस ऑफ कार सो प्राइस ऑफ कार एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल प्राइस ऑफ कार एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ठीक है अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना जब मेरी कार की प्राइस कम होती है तो इट इज अज्यूम्ड दैट कि लोग ज्यादा कार परचेज करेंगे तो लोग ज्यादा कार परचेज अगर करते हैं तो कार तो भाई पानी पर नहीं चलती है कार पेट्रोल पर चलती है तो इट इज बट नेचुरल पेट्रोल हो या डीजल हो ठीक है तो इट इज नेचुरल कि यहां पर इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी हाँ तो आपको क्या पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा देर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड इन द डिमांड या फिर देर इज अ अपवर्ड मूवमेंट सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कार डिक्रीजेज देर इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड मूवमेंट एंड देर इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन इन डिमांड फॉर पेट्रोल एक्सपेंशन इन डिमांड फॉर पेट्रोल तो यहां पर मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हो कॉन्सेप्ट वही रहता है तो यहां पर क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट है और यहां पर क्या है एक्सपेंशन इन डिमांड ऑफ पेट्रोल एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन इन डिमांड और पेट्रोल so, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एक्सपेंशन इन डिमांड फॉर पेट्रोल एक्सपेंशन इन डिमांड फॉर पेट्रोल ठीक है आई होप दू गॉट इट राइट चलिए तो यहां पर आप लोगों को एक डिफरेंट परसपेक्टिव समझ में आ रहा है वॉट आई एम मिक्सिंग ओवर हर इज एक्सपेंशन contraction rightward shift leftward shift with the concept of complementary and substitutes so they can ask you the question it may seem like they are asking you on the complementary but they are merging the question with the with the change with the change due to price or change due to other factors so you need to understand this thing you have to merge the concept and that is what it is important at the foundation level in the professional courses when you relate to the two different concept and then you try to find out the answer okay so it's very important to just look at the one concept it ratna hai ratna hai ratna hai but it is very important that we understand the fundamentals of the कॉन्सेप्ट एंड किधर से भी कितना भी घुमा कर पूछने दो हम लोग को कॉन्सेप्ट आसान लगेगा ठीक है हम लोग को एकदम सवाल आसान लगेगा अगर हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे है तो ठीक है अब मैं यहां पर अब मैं यहां पर आपको इसी का एक उल्टा सवाल पूछता हूं एंड यू वुड बी एबल टू आंसर ठीक है उल्टा सवाल पूछता यू वुड बी एबल टू आंसर इट ठीक है ध्यान yes. देना ठीक है ध्यान देना एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश हेलो सर टुडे इज माई एग्जाम आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग मेहताब जहां ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ठीक है यस इट इज नॉट दिस इज द अदर वन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड यहां पर एक तो तुम ले सकते हो प्राइस ऑफ द कार एंड पेट्रोल की क्वान्टिटीन प्राइस ऑफ द कार इज इनक्रीजिंग को कम परचेज करेंगे और अगर कम परचेस करेंगे तो क्वानिटी ऑफ द पेट्रोलो टू बी रेड सो यहां पर आपको प्राइस ऑफ द कार इनक्रीजेस द क्वान्टिटी ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेसर इन दिस केस देर इज द अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड ऑफ द पेट्रोल Or there is a downward movement, or there is a rightward shift, or there is a leftward shift. This type of question I am going to ask you, and then you have to say that hey, there is going to be upward movement. Yes, there is going to be upward movement because they are the complementary goods. Because the quantity, the, the petrol car quantity that is absolutely related to the price of the car. दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री गोर्ड्स दे आर दाइट डिमांड है टाइट डिमांड उस एक दूसरे के ऊपर आधारित है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सो देर इज अ कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन आर यू गेटिंग इट एवरी वन यस ठीक है ओके okay. चलिए I hope that you got it. Okay, okay. So, here there is contraction in demand. Okay, here there is upward movement. Yes, here there is. ठीक है यस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हियर देयर इज अपवर्ड मूवमेंट राइट एवरीवन आर यू गेटिंग इट यस चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सो आई ओ माय गॉड सो टाइम हमारा समाप्त हो रहा है बेटा मैंने देखा ही नहीं तो हमें रुकना होगा आज यहीं पर इट्स ऑलमोस्ट 10:56 सो वी हैव टू वेट हियर राइट हियर राइट नाउ एंड लेट मी टेल यू गाइस

प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल और यहां पर देखना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लान एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड पर्सनल कोच यू कैन यूज माय कोड दैट इज डागा टेन यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस राइट सो गाइज यहां पर आप लोग चेक कीजिए सिक्स मंथस ट्वेल्ल मंथ्स एटीन मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है जो कि बहुत रीजनेबल है छह महीने का सब्स्रिप्शन कॉस्टिंग जो जो थर्टीन थाउजेंड जीरो फिफ्टी ट्वेल्व सिक्सटीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी एटीन मंथ्स ट्वेंटी थाउजेंड टू फिफ्टी एंड ट्वेंटी फोर मंथस टू थाउजंड नाइन फिफ्टी यू कैन चेक फॉर दी Iconic subscription details as well. You can go for the light if you want, but I would recommend you to go for the combo subscription because that's absolutely amazing. You can complete your CA Foundation and Inter Journey just at 44,550, guys. So that's absolutely amazing. You can use my code that is that and then you can just get started with your plus classes. Okay, so thank you so much. Take care, see you soon in the next class. Till that, bye bye.